दो बड़े लीडर, क्योंकि अगर संगठन की बात करें तो बड़े लीडर हैं, और अगर हम सरकार की बात करें तो दो बड़े प्रशासनिक पद पर, एक मुख्यमंत्री और दूसरा गृह मंत्री, अगर ऐसे कहीं ना कहीं ये बातें सामने आती रहेंगी तो सरकार में किरकिरी होना स्वाभाविक है। वही जब अनिल विज से सीआईडी विवाद और उनसे उस बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक मैं होम मिनिस्टर हूं तब तक मुझे ही रिपोर्ट करना होगा, इसके बारे में पूछा गया तो अनिल विज ने एक बार फिर अपने ही अंदाज में जवाब दिया। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज जी हमारे साथ हैं। विज साहब, आपने दिल्ली में जो बयान दिया है कि जब तक मैं होम मिनिस्टर हूं सीआईडी को मेरे को ही रिपोर्ट करना पड़ेगा। नहीं, मेरे को भी करना पड़ेगा। अच्छा, नहीं अगर आप कहते हैं मुख्यमंत्री से कोई मन मुटाव नहीं तो इस तरह की बार बार चीजें सामने क्यों आ रही आपस में? ये तो आप लाते हो, हमारे तो कोई मन मुटाव नहीं, लगता है सुन के आपको भी मजा आता है। नहीं नहीं, हमारा कोई मन मुटाव नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने एक बार नहीं हजार बार कहा कि सीएम साहब से मेरे अच्छे संबंध है और सीएम साहब मेरे मित्र हैं। अच्छा, दोनों को मौका था हेलीकॉप्टर में दिल्ली जाने का, आप इकट्ठे क्यों नहीं गए? नहीं नहीं, मुझे मालूम नहीं था कि वो भी जा रहे हैं। अच्छा, दिल्ली में मुलाकात हुई, आप दोनों की बात हुई? हाँ हाँ, तो बात होती है हमारी। ACS को जो ऑर्डर दिया है उस पर इम्प्लीमेंटेशन हुए कुछ, उसको फॉलोअप हुए अभी? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। होम मिनिस्टर अनिल विज राजनीति को कूटनीतिक तरीके से ले रहे हैं, उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री से कोई विवाद नहीं है और ना ही कोई इस तरह की डिफरेंसेस हैं, उसके बावजूद उनका ये कहना है कि सीआईडी को आखिर उनको भी रिपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो विभाग के मंत्री हैं, तो सीआईडी उनको भी रिपोर्ट करेगी जैसे मुख्यमंत्री को करते हैं। इस बात पर अनिल विज साहब जोर दे रहे हैं। कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत, बीरू।